आगर मालवा में गरजे सीएम शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी का झूठ बोला था। आगर मालवा में बैजनाथ लोक बनाने का भी किया ऐलान। लाडली बहनों सेना को लेकर कह दी बड़ी बात। किसान भाइयों, ये वही कमलनाथ, ये वही कांग्रेस जिन्हें वचन दिया था कर्जा माफ करेंगे। कर्जा माफ का कह के सबका कर्जा माफ नहीं किया, उसका ब्याज मैंने भरा जो जिसके कारण किसान डिफॉल्टर हो गए थे। एक नहीं, अनेकों योजना इस कांग्रेस ने बंद कर दी। मेरी बहन 1.25 साल के लिए कांग्रेस आई थी तो मैं पहले बेगा भारिया सहरिया बहनों के खाते में 1,000 डालता था। कांग्रेस ने वो 1,000 रुपया बंद कर दिए। और सुनना, जब तक मामा है भैया है तभी तक लाडली बहना है। कांग्रेस आ गई तो ना लाडली होगी ना बहना होगी। ये तो सब बंद करने वाले लोग हैं। इनने बच्चों के लैपटॉप छीन लिए थे। मैं बच्चों को लैपटॉप देता था, 12वीं में अच्छे नंबर आए तो बच्चों को 25,000 रुपया लैपटॉप के। अभी भी मैंने दिए, जिनने 75% लाए मामा ने 25,000 रुपया डलवाए। कांग्रेस ने बंद कर दिए थे। भाइयों और बहनों, बहनों के मुंह से लड़ुआ छीन लिए। बेटा बेटी को जन्म देने के 4,000 पहले और 12,000 वो भी कांग्रेस ने छीन लिए। संबल योजना बंद कर दी। संबल योजना में मैंने तय किया था किसी परिवार में एक्सीडेंट से मौत हो जाए तो 4 लाख दूंगा, सामान्य मौत पे 2 लाख दूंगा। कमलनाथ जी, आपने तो वो पैसा भी बंद कर दिए थे। तीर्थ यात्रा करवाता था मैं, तीर्थ यात्रा बंद। बुजुर्गो, तीर्थ यात्रा ही बंद करवा दी कांग्रेस ने। मैं आया तो तीर्थ यात्रा, अब तो हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा, हवाई जहाज। आज हमने भूमि पूजन किया है, बाबा की पूजा भी की है और पूजा करके एक ही आशीर्वाद मांगा है कि बाबा मेरी जनता की जिंदगी में कोई तकलीफ मत रहने देना, आशीर्वाद की भरपूर वर्षा करना। लेकिन आगे भी बाबा बैजनाथ जी लोग के लिए मिलके हम जो तय करेंगे, मैं आपको वचन देता हूं वैसा लोक बनेगा। बाबा की कृपा से ही तो हम सब जी रहे हैं मेरे बहन और भाई। विकास के कामों में हम सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, बांध हम सब बनाते हैं, लेकिन हम मंदिर का निर्माण भी करते हैं। चाहे अयोध्या में हो भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है, चाहे काशी में प्रधानमंत्री जी ने काशी कॉरिडोर बनाया, अलग अलग जगह हम ईश भक्ति में भी लगे रहते हैं। क्योंकि हमारी जिंदगी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक ही लक्ष्य है, कैसे जनता की जिंदगी हम बदले। आज इतनी बड़ी संख्या में मेरी लाडली बहनाएं आई है। मेरी बहनों, मैं तुम सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। जगह जगह लाडली बहनों ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरी बहनों, हमारा संकल्प है माँ बहन और बेटी की आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही चैन की सांस लेंगे। अपनी बहनों की जिंदगी देखता था मैं, ईमानदारी से बताना, 1,000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो बताओ हाथ फैलाने पड़ते थे कि नहीं। छोटी छोटी जरूरत के लिए मेरी गरीब बहने, निम्न मध्यम वर्ग की बहने, छोटे किसान परिवार की बहने परेशान रहती थी, और इसलिए हमने बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। 1,000 रुपया हर बहना के खाते में हर महीना डालने का फैसला किया, और अभी दे रहा हूं। 1,000 रुपया महीने का मतलब है 15,000 करोड़ रुपया हर साल देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा एक बार बोल के बताओ, 15,000 करोड़। कितना देना पड़ेगा, इतना पैसा बताओ, मेरे अलावा कोई दे सकता था क्या? अरे जोर से बताओ। लेकिन केवल यही नहीं रुकना, पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, और जैसे जैसे पैसा आएगा 1,000 रुपया से बढ़ा के 1,250 रुपया करूंगा।
फिर 1250 से बढ़ा के 1500 रुपया करूंगा, 1500 से बढ़ा के 1750 करूंगा, 1750 से बढ़ा के 2000 करूंगा, 2000 से बढ़ा के 2250 करूंगा, 2250 से बढ़ा के 2500 करूंगा, और 2500 से बढ़ा के 2750 करूंगा, और उसके बाद कितने करूंगा, जोर से बोलो, 3000 करूंगा। तब बहनों की जिंदगी बदलेगी। मेरी बहनों, ये तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान है, ये बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है, ये जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है, जमाना लाना है। और इतने लाडली बहना सेना भी बने, गांव गांव में 11 बहने, बड़े गांव में 21 बहने, शहर के वार्ड में 11 और 21 बहने, इनकी सेना, इनको ट्रेनिंग, और इनके साथ मिलकर काम करके गरीबी दूर करेंगे, अन्याय अत्याचार दूर करेंगे, प्रदेश को समृद्धि और विकास के पथ पर ले जाएंगे। नौजवान बेटा बेटियों, 1,00,000 सरकारी नौकरियों पर भर्ती जारी है, 50,000 फिर निकाल रहा हूं, लगातार भर्ती जारी रहेगी। स्वरोजगार की योजना भी बच्चों के लिए शुरू कर दी है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, और एक योजना और जो 12वीं पास है ITI की है, वो काम सीखने अलग अलग कंपनियों में जाएंगे, कंपनियां उनको काम सिखाएगी, और काम सिखाने के बदले उनको 8,000 रुपया महीना दिए जाएंगे, ताकि भांजे भांजी दर दर की ठोकरें ना खाए, वो काम सीखे और बाद में परमानेंट काम मिल जाए। आज मेरा मंदसौर में भी कार्यक्रम है, इसलिए भाभी मुझे जाना है, लेकिन जाने के पहले मेरी बहनों और भाइयों, मुझे आप सबका साथ चाहिए। बोलो, सबका साथ मिलेगा, भाई का साथ दोगे? अरे भाइयों, तुम्हारा भी साथ चाहिए, मध्य प्रदेश बदल ले, आओ आगे आओ, हम सब मिलकर साथ कदम बढ़ाएं और मध्य प्रदेश को भारत में नंबर 1 बनाएं। बोलिए, सबका साथ मिलेगा, भाई का साथ दोगे, मामा का साथ दोगे, मोदी जी का साथ दोगे, अगली बार सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनाओगे? अरे जोर से बताओ, बनाओगे? मामा को फिर से मुख्यमंत्री बनाओगे, मोदी जी को PM बनाओगे? तो आइए आज संकल्प लेंगे कि अगर जिला प्रधानमंत्री जी के साथ है, मामा के साथ है, भाई के साथ है, और यह संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता और बाबा बैजनाथ की जय बोलेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी, और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, बाबा बैजनाथ की।